दोस्तों, पेरिस ओलंपिक 2024 का एक ऐसा पल जो एक इंडियन रेसलर के लिए बहुत ही दर्दनाक बन गया। विनेश फोगाट जो न सिर्फ एक चैंपियन रेसलर है बल्कि अब पॉलिटिक्स की दुनिया में भी कदम रख चुकी है। उन्होंने एक ऐसी बात शेयर की जो हम सबको सोचने पर मजबूर कर देगी। विनेश का पेरिस ओलंपिक का सफर अनएक्सपेक्टेड वजह से खत्म हो गया। वजह वेट इन फॉल हो गया था। उसके बाद विनेश बीमार पड़ गई और उन्होंने ओलंपिक विलेज के पॉली क्लिनिक में एडमिट कर दिया गया। लेकिन उस वक्त एक तस्वीर ने पॉलिटिक्स का एक अलग रंग दिखा दिया। पीटी उषा जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की प्रेसिडेंट है, उन्होंने एक फोटो अपने सोशल मीडिया पर शेयर की, विनेश को बताए खींच ली थी। विनेश का कहना है, मुझे नहीं पता मैडम ने क्या सपोर्ट दिया, मैं हॉस्पिटल में थी, एक तस्वीर खींच गई बिना बताए और फिर सोशल मीडिया पर डाल दिया कि पीटी उषा मेरे साथ है। दोस्तों, कभी कभी जिंदगी के ऐसे पल आते हैं सबसे ज्यादा वर्नरेबल होते हैं। विनेश के लिए ये पल उनके करियर का सबसे थॉट मोमेंट था। लेकिन उस वक्त जब उन्हें सहारा चाहिए था, एक तस्वीर को सपोर्ट की तरह दिखाया गया जो विनेश के हिसाब से सिर्फ एक प्रेजेंटेशन था। विनेश कहते हैं कि उन्होंने पॉलिटिक्स की दुनिया में कदम रख लिया है क्योंकि उनके लिए रेसलिंग अब उतना क्लीन नहीं रहा जितना पहले था। उन्होंने ये भी कहा, रेसलिंग में पॉलिटिक्स हर जगह है, ऐसे में मैं क्यों कंटिन्यू करूं? कभी कभी सपोर्ट सिर्फ दिखावा होता है, असली नहीं। पीटी उषा एक लेजेंड खुद अपने वक्त की, लेकिन इस वक्त में क्या उन्होंने जो किया वो सही था? विनेश का ये सवाल एक इमोशनल और जरूरी बात को छेड़ता है। क्या सपोर्ट दिखावा हो सकता है? यह हमें उस इंसान के लिए असली सपोर्ट दिखाने की जरूरत होती है अपने डिफिकल्ट वक्त से गुजर रहा हो। इस तस्वीर की कहानी ने विनेश को और भी डिसअपॉइंटमेंट कर दिया और ये एक असली बात है जो हर एक स्पोर्ट पर्सन या इंसान को समझना चाहिए। जब कोई आपके साथ खड़ा हो वो आपके साथ सच में हो, दिखावा नहीं। दोस्तों, कभी कभी जिंदगी में ऐसे लम्हे आते हैं जो हमें टूटने पर मजबूर करते हैं, लेकिन जो लोग हमारे साथ सच में होते हैं वही हमें आगे बढ़ने की ताकत देते हैं। विनेश के इस सफर में क्या हम सब उस असली सपोर्ट बन सकते हैं जो एक एथलीट को जरूरी होता है? वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करके जरूर जाना, कमेंट में अपनी राय बताना। जब तक के लिए गुड बाय।